उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी हरकत में आ गई है। एमपी सरकार ने हादसे से सबक लेते हुए सख्ती के निर्देश दिए हैं। सरकार ने राज्य की सीमा पर कड़ी निगरानी और शराब के अवैध अड्डों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि अवैध शराब के कारोबार को संरक्षण देने वाले पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में 200 के करीब लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 297 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।